नमस्कार मैम, आज किस मशीन के बारे में आज बताने वाले हैं आप? जी नमस्कार। मैं आज बताने वाली हूँ सर्फ बनाने वाले मशीन के बारे में। जी, सर्फ बनाने वाला मशीन, डिटर्जेंट पाउडर। जी हाँ, बिल्कुल। डिटर्जेंट पाउडर जो आपको मार्केट में मिलता है, आप बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। जी आप किसी कंपनी का कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी जो होता है आप बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। जी आप चाहे तो हाई क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का, फिर लो क्वालिटी का, जैसा आपके एरिया में चल रहा है वैसा क्वालिटी का बना सकते हैं। जी साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डिटर्जेंट मेकिंग मशीन लगाकर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल आपको ये बिजनेस है, क्योंकि डिटर्जेंट जो है, सर्फ जो है, जी हर किसी के घर में यूज होता है। जी जी बिल्कुल, ये हर दिन यूज होने वाला चीज है और सालों भर चलने वाला चीज है। जी चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, जैसा भी फैमिली से बिलोंग करता हो, सर्फ ऐसा नीड है कि वो कभी भी कोई छोड़ नहीं सकता है। जी कपड़े हर कोई पहनते, कपड़े धोना कौन नहीं चाहेगा कि मैं अच्छे से साफ करूँ। साथ ही बहुत सारे ऐसे देहाती क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी जो साबुन की टिकिया होती हैं बर्तन धोने वाली, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका चलन नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि डिटर्जेंट मतलब सर्फ ही खरीद कर उसे थोड़ा वॉश करते हैं, मतलब डिटर्जेंट से ही मेनली वो वॉश करते हैं जो देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर मैंने भी देखा है काफ़ी सारे लोग जो छोटा छोटा पैकेट में बिकते हैं सर्फ, जी वो जी यूज़ करते हैं, तो टिकिया का ज़्यादा चलन नहीं है। तो ये आपका जो डिटर्जेंट है वो कपड़ा धोने से लेकर हर एक तरह का जो चीज़ होता है घर में, जी साफ सफाई करने के लिए भी यूज़ किया है। जाता है। जी, जी तो यहाँ पर देख सकते हैं मशीन मैम, यही जो कि डिटर्जेंट, बिल्कुल यही हमारा मशीन है, मेन मशीन हमारा यही है, इसे केज मिल कहते हैं। केज मिल, हाँ जी। पहले तो हम आते हैं सर मिक्सर पे। ये मिक्सर है, हाँ जी, ये मिक्सर मशीन है। इसमें जो है हमारा सारा रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। जी डोलोमाइट, सॉल्ट, कास्टिक, स्लरी, एओएस, ऐसा ऐसा करके वो काफ़ी सारा जो केमिकल होते हैं वो सारा मिक्स करके ही हमारा डिटर्जेंट तैयार होता है। तो ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो हम इसमें डालते हैं मिक्सर में। इसमें मिक्सर में, हाँ जी मिक्सर में। ये मोटराइज रहता है, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो मिक्स होता है, मिक्स होने का काम हमारा मिक्सर ही करता है। जी तो पहला प्रोसेस हमारा ये है कि सारा रॉ मटेरियल इसमें मिक्स हो गया। मिक्स हो गया होने के बाद हम रॉ मटेरियल निकालेंगे। आते हैं हम दूसरे प्रोसेस पे जो है हमारा केज मिल। जी केज मिल में हम सारा मिक्स हुआ जो भी रॉ मटेरियल वो इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद ये छनता है, इसमें छनने का काम होता है। जी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, छनने के बाद जो भी हमारा रॉ मटेरियल निकलेगा वो अब आपका रेडी माल हो गया, मतलब जी, कि वो बेचने के लिए, बिल्कुल वो रेडी हो गया। जी लेकिन बेचेंगे हम उसे खुले में तो नहीं बेचेंगे, नहीं पैकेट में, बिल्कुल वो चावल या आटा तो है नहीं, डिटर्जेंट वाला चीज है, केमिकल वाला चीज है, तो हम इसे रैप करके बेचते हैं मार्केट में। तो उसके लिए हमारा तीसरा मशीन है बैंड सीलर मशीन, हमारा आता है बैंड सीलर मशीन। जी इसी में हम सीलिंग का काम करेंगे, जैसा कि ये आप रॉ मटेरियल देख रहे हैं, ये डिटर्जेंट पैक करने के लिए ऐसा ऐसा आप रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, ये नॉन ब्रांडेड है। अगर जो भी कस्टमर पहले से बिजनेस कर रहे हैं या फिर नया ही शुरू कर रहे हैं, उनके पास पूंजी है उतना, वो चाहते हैं कि मेरे अपने नाम का प्रिंट हो, तो हम वो भी काम करते हैं। उनके अपने नाम का जो रहता है बैच कोडिंग के साथ साथ हम वो उनका प्रिंट करके देंगे। तो ये हमारा दूसरा रॉ मटेरियल हो गया। जी आप इसमें जितना भी आपका तैयार हुआ प्रोडक्ट है उसको इसमें भरेंगे, भरने के बाद इसे हम सील करने का काम इसमें करेंगे। ये बैंड सीलर है, आप इस बैंड सीलर में 5 kg, 10 kg कुछ भी पैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसमें डालेंगे रॉ मटेरियल, इसको ऐसे करके पैकेट में और ये सील करके निकाल देगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, नहीं है। आपको बहुत ज्यादा लेबर का भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ खड़े रहेंगे तभी वो काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। मिक्सर में आपने मटेरियल डाल दिया, वो मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद सारा मटेरियल निकालना है आपको केज मिल में या स्क्रीनिंग में डालना है, वो छनेगा, छनने के बाद आपको बस इसमें भर के पैकिंग कर देना, पैकिंग कर देना। तो मैम इस सब का जो प्राइस होने वाला है कितने रुपए से स्टार्टिंग होने वाला है?
हमारा जो डिटर्जेंट बनाने वाला मशीन है, 3 मशीन का सेटअप होता है जी, ये 3 मशीन आपको मात्र 1 लाख रुपए से शुरू होगा। मात्र 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, तीनों मशीन आप लोग को दोस्तों उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों एक अच्छा मौका आप लोग को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्क्रीन पर नंबर मिल जा रहा है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट की मिलने वाला है दोस्तों, कि ये बोलिएगा हाँ गुड्डू ब्लॉग चैनल देख के आए हैं, ये आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है।